हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बटर चिकन। और बटर चिकन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मैं बता देती हूँ। मैंने लिया है बोनलेस, कोई हिसाब नहीं है कि कितना ग्राम लेना है, मैं अंदाज़े से ले लेती हूँ कि हम कितना खा सकते हैं अपनी फैमिली में। जिंजर गार्लिक, धनिया, नींबू, प्याज, टमाटर, दही और ये सारे मसाले। अभी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें दो हिस्सों में डिवाइड करनी है, एक मैरिनेट करने के लिए और एक ग्रेवी बनाने के लिए। तो अलग अलग करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। डिवाइड कर लिया है मैरिनेट के अंदर और ग्रेवी के लिए। हमने जिंजर गार्लिक जितना भी काटा था हमने डिवाइड कर लिया है आधा आधा। अनियन एंड टमाटो, जिंजर एंड गार्लिक, ये चारों चीज़ें हमने अलग रख ली है ग्रेवी के लिए। जो मैरिनेट करने के लिए चाहिए उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, जिंजर गार्लिक, लेमन, धनिया, दही और मसाले। इसका मिक्सचर मैं रेडी करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कैसे। इसको मैंने मैश कर लिया है, अब मैं इसमें धनिया मैश कर दूँगी। गाइस, इसमें मैंने डाल लिया है दही चिकन के अंदर और ये मैंने अदरक लहसुन और धनिया का हमने मैश कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नींबू। इसमें मैंने डाला है दही, अदरक, लहसुन, धनिया को हमने मैश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन, एक लेमन मैंने लिया है, इसके अंदर डालेंगे हम। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, ये मैंने हरी मिर्ची को सुखा कर पीस लिया था, तो थोड़ी सी हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च हम डाल चुके हैं, और थोड़ी सी हल्दी। ये सारे मसाले डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको रख देंगे 15-10 मिनट के लिए। मैरिनेट होने के बाद इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। रेडी कर लेते हैं अपना बटर चिकन की ग्रेवी। मैरिनेट करके मैंने चिकन रेडी कर लिया है, ऐसा लुक आया इसका और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है। और अब हम बनाते हैं ग्रेवी का मसाला, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे जीरा और मैं थोड़ी सी अजवाइन भी लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो हम खाते नहीं हैं, अगर सब्जी में डलती है तो थोड़ी बहुत हम खा लेते हैं। तो इसके बाद जितना भी मैंने कटिंग करी है उसको मोटा मोटा ही मैं अंदर सब कुछ डाल दूंगी क्योंकि हमने इसको मिक्सिंग करनी है। तो गाइस, मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर को गैस पे रख दिया है और मैं इसको तब तक गैस पे रखूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और सबका अलग अलग तरीका होता है मसाले बनाने का, तो ये जो बटर चिकन है ये अलग तरीके से बनता है। और शाही पनीर का जो मसाला होता है या बटर चिकन का मसाला होता है वो क्यों इतना ब्राउन कलर में आता है, उसके पीछे यही तरीका है कि वो जो है पहले सारे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को भून कर उसको फिर मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, और जब ग्राइंड करते हैं तो बिल्कुल ही उसका कलर चेंज हो जाता है। आप ट्राई करके देखना, बिना इसको फ्राई करे गैस में हम ग्राइंड करेंगे तो कलर कैसा आएगा, और इसको फ्राई करने के बाद कलर कैसा आएगा, बिल्कुल टोटली लुक ही चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो अपने स्वाद अनुसार आप अपने सारे मसाले इसमें ऐड कर लीजिए और इसको तब तक मिक्स करिए जब तक कि प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएं और गल जाएं। स्टेप था हमारा बटर बोनलेस चिकन को मैरिनेट करना, इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारा इसकी बड़े बड़े मसालों को बिल्कुल फ्राई करना, और ये तीसरा स्टेप है हमारा, हमें अब इस मसाले को जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था इसको फ्राई करना। तो दिस इज अवर थर्ड स्टेप। लिया है बहुत थोड़ा सा ऑयल और अब इस ऑयल में हम डाल देंगे अपना सारा चिकन और बिल्कुल इसको फ्राई करके इसको सुखा देंगे। हो रहा है हमारा फ्राई, ऑयल हो चुका है,
तो जब तक ये सूख नहीं जाता हम इसको उबालते रहेंगे और हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो रहा है। तो ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे और ये सूख रहा है। इसमें मसाला डाल दिया है जो हमने फ्राई किया था और मैं इसको बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी। और हमारा ये वाला जो चिकन है वो बॉयल हो रहा है और पकना शुरू हो चुका है, देख सकते हो आप। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। इसको हम ड्राई अगर खाना चाहें तो ड्राई भी खा सकते हैं, बट हम बना रहे हैं बटर चिकन। तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बन चुका है, गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये ग्रेवी जो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। यही कलर होता है बटर चिकन का। गाइस बिल्कुल ये सूख चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, बिकॉज विदाउट बटर बटर चिकन इज नॉट परफेक्ट। और इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। दिस गाइस बिल्कुल परफेक्ट है ये। मेरी राजकुमारी बताएगी टेस्ट करके कि कैसा बना है। इसमें मैंने ऐड किया था बटर और इसमें मैंने ऐड करी है थोड़ी सी क्रीम। अगर क्रीम नहीं है तो आप अपनी मलाई का यूज़ कर सकते हैं और मैं इसे मिक्स कर दूंगी। लुक एट दिस गाइस, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है हमारी चिकन की। बटर चिकन हो चुका है रेडी, देख सकते हैं आप। और मैंने बनाए हैं चांद सितारे अपनी बेटी के लिए, हार्ट शेप, मून, ट्रायंगल, स्टार एंड सर्कल। तो अब देखते हैं उसे कैसा लगता है टेस्ट। चलिए देखते हैं अपनी राजकुमारी के पास और देखते हैं इसका कैसा टेस्ट बना है। चलिए ये लो नंदा जी चांद सितारे। आपकी डिमांड पर आज हमने बनाया है बटर चिकन। सर्कल और क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे आप? स्माइल मून है ये, बताइए। ट्रायंगल, पकड़ पकड़ टेस्ट करो। नहीं मैं ये समझ नहीं आया कि चोर की बीवी जूड़ा करके बैठी थी। वो वहाँ पे जूड़ा करके आराम से बैठी। अच्छा ठीक है, मैं लूंगी हार्ट वाली रोटी। हार्ट वाली रोटी की पहली बाइट बनाते हैं। छोटी छोटी रोटी है, देखने से कैसा लग रहा है मम्मी? बाहर जैसा लग रहा है जैसे हम बाहर खाते हैं, कैसा लग रहा है? बाहर वाला ऑरेंज होता है, ये येलो है। अच्छा फूकर येलो। वेट करूं? रिएक्शन तो दीजिए, कुछ बोलिए तो सही। अच्छी है, अच्छी, मुंह से बोलिए।
मिर्ची है। ये रोटी कितने मार्क्स की है वैसे? 10 मार्क्स। अंडा नहीं पसंद आई क्यों? दोबारा बोलो। अंडा दोबारा बोलो। ये 10 में से 10 में से 10 में से 10 10। थैंक यू। चलो अब आप आपे आपे खा लोगे और गुड बच्चा। और सबको बोल दे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।